एससी वर्मा सॉल्यूशन चैप्टर टू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 26 फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ओके, तो हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस में एरिया एंड द कर्व फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ए की पावर माइनस एक्स का ये ग्राफ बनता है। ये ग्राफ कैसे फाइंड किया मैंने कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो तो वाई इज इक्वल टू वन आएगा, राइट। और एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो वाई इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप y इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करो, ऐसे आपको कर्व निकाल दोगे। ओके, तो अब आपको एरिया फाइंड करना x और y एक्सिस में पॉजिटिव में। तो देखो ये आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एरिया फाइंड करना, तो इसमें लिमिट क्या आ गई? लिमिट आ गई कि आपके x इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना है और कहाँ जाना है x इज इक्वल टू इन्फिनिटी तक, राइट। तो आपको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी तक। ओके, तो एरिया आपका होता है एरिया इज इक्वल टू y dx, इंटीग्रेशन होता है। ओके, कहाँ से कहाँ तक? जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, यानी एक्स वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स टू इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पे y है अपना e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। ए की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है और माइनस एक्स ऊपर दे रखा है तो उसका डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड कर दो। तो माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन होता है, उसको डिवाइड कर दो माइनस वन। ओके, लिमिट क्या है अपनी? लिमिट है जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे काम करते हैं, माइनस वन को बाहर ले लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा वन बाई ई की पावर एक्स और जीरो टू इन्फिनिटी। ओके, वैल्यू पुट करते हैं तो ये वन बाई ई की पावर इन्फिनिटी माइनस वन बाई ई की पावर ज़ीरो, राइट। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी। तो वन बाई इन्फिनिटी और ई की पावर ज़ीरो वन होता है। तो देखो ये आ जाएगा माइनस वन बाई इन्फिनिटी होता है ज़ीरो और ये वन बाई वन वन। तो ये आ जाएगा वन यूनिट स्क्वायर। एरिया कितना हो जाएगा? वन यूनिट स्क्वायर।